गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। पढ़ा क्या घर जाके? क्या डाउट है? कुछ भी नहीं। क्या है? अच्छा, बाद में पूछो। चलो कोई बात नहीं। चलिए आज हम लोग कुछ और आगे पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा था यूनिटरी इनकम, इलास्टिसिटी वगैरह के बारे में। आज हम पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। हाँ, पूछो ना, वही तो बोल रहे। एक सेकंड, पेज नंबर बताओ बेटा पहले। 2.17। हाँ, इसमें क्या डाउट है? टोटल आउटले में, टोटल आउटले नहीं समझ में आया, चलो फिर से बता देता हूं। आपका 2.18 टाइम पीरियड, चलो ठीक है। और कोई डाउट? चलो पहले टोटल आउटले पढ़ लेते हैं। टोटल आउटले का मतलब होता है मेरे पास से कितना गया, मेरे पास से कितना आउटफ्लो हुआ है ना। मैं कंज्यूमर हूं, मैं डिमांड कर रहा, मैं खरीद रहा, तो कितना गया, इसी को मैं खर्चा भी बोल सकता हूं, एक्सपेंडिचर। इसी को मैं सेलर्स रेवेन्यू बोल सकता। सेलर मतलब बेचने वाले की कमाई, मेरा खर्चा उसकी कमाई। तो ये मेथड के अंदर टोटल आउटले देखा जाता है। टोटल आउटले कैसे निकल के आएगा? किसी भी चीज का प्राइस मल्टीप्लाई बाय इट्स क्वांटिटी, ये हो गया मेरा टोटल खर्चा। मुझे 10 किलो आम खरीदने, 1 किलो आम का प्राइस 10 रुपए, तो मेरा टोटल आउटले कितना हुआ? 10 रुपए प्राइस, 10 केजी क्वांटिटी, टोटल आउटले इज 100, इतना खर्चा हुआ। तो इससे भी इलास्टिसिटी पता चलती है, ऐसा कहना है। कैसे? देखिए, तीन सिचुएशन आपको दी हुई है, फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन और ये थर्ड सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में प्राइस 5 रुपया था, तो 40 यूनिट आप डिमांड कर रहे थे, टोटल खर्चा आपने कितना किया? 200 रुपए का। अभी क्या हुआ? प्राइस 4 रुपए हुआ, आपकी डिमांड बढ़ गई, 50 हो गई, लेकिन टोटल खर्चा उतना के उतना रहा। पहले भी खर्चा उतना, अभी भी खर्चा उतना। प्राइस कम होने से डिमांड भी बराबर उतनी ही बढ़ी, टोटल खर्चा उतना ही रहा, इसलिए इलास्टिसिटी 1। जितने डिमांड बढ़ी उतना खर्चा हो, सिंपल। सेकेंड केस में प्राइस 5 रुपए से 4 रुपए आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पहले 40 थी, अब 60 हो गई, टोटल खर्चा कितना हुआ? पहले 200 का होता था, अब 240 का हुआ, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, अब ज्यादा हो रहा। इसके बाद पहले 5 रुपए था, फिर 4 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड 40 थी, अब 44 हो गई, बढ़ी तो है लेकिन कम बढ़ी। टोटल आउटले पहले 200 था, अब 176 हो गया, यानी कम हुआ, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1। आई बात समझे? तो आउटले के ऊपर पहले कितना था और अब कितना है, आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। आई बात समझ में? आगे आपका टाइम पीरियड, एक दिन के लिए पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कोई भी नहीं, अगर जरूरत है बहुत ज्यादा तो ही खरीदेंगे, और अगर जरूरत नहीं है, गाड़ी में 1 लीटर पड़ा है, तो टैंक फुल नहीं कराएंगे। इलास्टिक कहां हुआ? डिमांड में कहां चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, प्राइस में चेंज हो गया। एक दिन के लिए आपने पेट्रोल का प्राइस 80 से 100 कर दिया, पर डिमांड नहीं बढ़ेंगी, डिमांड कम नहीं होंगी, अधिराइट कम हो जाएंगी, हाँ बिल्कुल कम हो जाएंगी। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई, हाई इलास्टिक हुआ ना। एक सेकेंड, हाँ, ज्यादा पीरियड कम पीरियड की बात की है ना, एक दिन के लिए कि 10 दिन के लिए, ये बात की है। देखिए, द लॉन्गर एनी प्राइस चेंज रिमेन्स ग्रेटर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये जो आपने प्राइस आपने चेंज किया है, ये लॉन्गर समय के लिए कर दिया, तो okay. 1 महीने के लिए कर, तो पेट्रोल खरीदते रहोगे कि नहीं खरीदोगे? तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना, तो इलास्टिक हुई ना। हाँ, तो डिमांड कम ज्यादा थोड़ी हुई है, ऐसा नहीं। इधर देखो, इसमें इलास्टिक इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक ज्यादा है कि कम, ऐसा देखना पड़ेगा। इन इलास्टिक पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा, एकदम मतलब भाव कम हो जाए या बढ़ जाए, लेकिन इलास्टिसिटी प्राइस का असर डिमांड पे कितना आ रहा, ये हमको देखना है। आई बात समझ में? प्राइस का असर डिमांड पे कितना आएगा, तो ये देखो, लॉन्गर एनी प्राइस चेंज रिमेन, लॉन्गर मतलब
एक महीना समझ लो, एक महीने तक प्राइस चेंज है, तो ग्रेटर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी वो इलास्टिक रहेगा। और ऑन द शॉर्ट अदर हैंड, शॉर्टर एनी प्राइस रिमेन, द लेसर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर है। यहां चेंज क्या कर रहे हैं आप, प्राइस चेंज कर रहे हैं। अब मुझे बात बताओ, इसको मैं चेंज करते जाऊंगा और इससे मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलती है, इसको अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होंगी कि बढ़ेंगी। कभी भी किसी चीज का डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कम होती है, बराबर है। लेसर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ये लंबे समय के लिए रहा, सॉरी शॉर्टर समय के लिए रहा, तो इसका असर कम आएगा। थोड़े से समय के लिए भाव बढ़ाया, देखो ना, शॉर्टर समय के लिए तो प्राइस इलास्टिसिटी कम रहेगी, ज्यादा असर नहीं होगा। और अगर लंबे समय के लिए रहा तो लोगों को सोचना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट के ऊपर जाना पड़ेगा, तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी। आई बात समझ। हाँ, लग्जरी गुड, लग्जरी गुड क्या होते, कहां गया, तो इसमें क्या डाउट है। हाँ, लग्जरी गुड क्या होता, लग्जरी गुड क्या होता, नहीं नहीं लग्जरी गुड ऐसा नहीं रहता। लग्जरी गुड का मतलब होता है जो महंगा मिलता है और जो अमीर आदमी खरीदता है, कंफर्ट की चीज है, नेसेसिटी नहीं है, कंफर्ट नहीं, लग्जरी है, ठीक है। अब लग्जरी गुड्स के अंदर क्या होता है, मान लीजिए मैं मर्सिडीज कार की बात करता हूं, मर्सिडीज कार कितना भी भाव बढ़ा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, उसके डिमांड इनलास्टिक हो जाएंगी क्या प्राइस के चेंज होने से, नहीं होगी। लेकिन अगर यही आपका गेहूं है, चावल है, जो नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, सब्जी है कोई, मैंगो है, इनके भाव अगर कम ज्यादा कर दिए तो डिमांड पे असर आएगा कि नहीं आएगा। भाव अगर बहुत ज्यादा मैंने बढ़ा दिया तो लोग लेना ही बंद कर देंगे। आई बात समझ है। तो लग्जरी गुड्स के कितने भी भाव बढ़ो, जैसे नेसेसिटी है, ये देखो नेसेसिटी लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउस, ये हमेशा इनइलास्टिक रहेंगी। मतलब प्राइस के कम ज्यादा होने से फूड पे असर नहीं आएगा, आपको नेसेसिटी तो खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन लग्जरी में एसी की बात करता हूं, एयर कंडीशनर, बिना एसी के रह सकते क्या, हाँ रह सकते। मान लो एसी आपको लगा नहीं है, 50,000 की एसी थी, अब उसका भाव 70,000 हो गया कुछ दिन के लिए, आप लोगे क्या। एसी लगानी है, पैसे जोड़े आपने, गए 50,000 लेके, वो दुकानदार बोलता नहीं आप 50 की नहीं 70 की मिलेंगी, आप क्या, भाव कम होने वाले, लेकिन गर्मी का सीजन चला जाएगा, भाव कम हो जाएंगे, आप क्या करोगे, एक काम करो कूलर खरीद लो, ये सीजन निकाल लो, क्योंकि वो लग्जरी है, वो नेसेसिटी नहीं है। लेकिन गेहूं का भाव डबल हो जाता है, दाल का भाव कई बार बढ़ जाता है, तो छोड़ दोगे क्या दाल खाना, नहीं खाना पड़ेगा। तो वो इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से उस पर असर नहीं होता, और लग्जरी मतलब प्राइस के चेंज होने से असर होता। हाँ, अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता, अमीर आदमी मर्सिडीज लेगा तो 40 की ले क्या, 45 की ले क्या, लेकिन वहां पे वो उस इलास्टिसिटी को प्राइस इलास्टिसिटी नहीं बोलेंगे, उसको इनकम इलास्टिसिटी में डालना पड़ेगा। यहां पे हम लोग प्राइस की जनरली बात कर रहे हैं, हम इनकम इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे, इसलिए हमको प्राइस के संदर्भ में बात करनी है। इनकम अगर अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता एसी के, आपने 50,000 जोड़े और आपने एसी लिया तो आपने तो नॉर्मल आदमी है, तो अपने लिए 70,000 मायने रखते हैं, लेकिन अमीर आदमी के लिए जिसके 10 एसी ऑलरेडी लगे हुए तो 50 में मिलेगा 70 में मिलेगा, उसको फर्क पड़ेगा क्या। तो यही लग्जरी की चीज की डिमांड इनइलास्टिक हो गई, लेकिन हम यहाँ पे प्राइस के रिलेशन में बात कर रहे हैं, इनकम के रिलेशन में बात नहीं कर रहे। आई बात समझ, किसका प्राइस कम होगा, क्यों डिमांड बढ़ेगा, कितना कितना प्राइस कम होगा, 40 से 35 हो गया, डिमांड बढ़ेगी, हाँ तो बढ़ेगी ना, तो इलास्टिक है ना, हाँ प्राइस के कम ज्यादा होने से डिमांड में असर आता है,
इलास्टिक है, इनको एसी लेने गए 50,000 की, पता चला एसी 25,000 में मिल रही है, तो ये क्या करेंगे, दो एसी खरीद लेंगे, जान दो एक इधर भी लगा देता, मम्मी पापा के कमरे में भी लगा देता। आई बस समझ, ऐसा होता कि नहीं होता, वो है। इलास्टिक इन इलास्टिक, सिर्फ इस पे ध्यान रखना, प्राइस के चेंज होने से क्या इसकी इनकम, कोई इनकम अभी साइड रख दो, अमीर आदमी है गरीब आदमी उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, क्या ये चीज जो मैं खरीद रहा हूं अगर इसका प्राइस कम ज्यादा होगा तो मैं खरीदने के पहले सोचूंगा क्या? अगर हां तो फिर वो इन इलास्टिक है, नहीं सॉरी, अगर मैं सोचता हूं तो वो इलास्टिक है, और अगर मैं सोचूंगा नहीं नहीं ये तो लेना ही पड़ेगा तो वो इन इलास्टिक है। दवाइयां कितने की भी रहे लेना पड़ेगा कि नहीं, यानी प्राइस कम ज्यादा कर दे, उसने 100 का पत्ता 10 में दे दिया ये तो मैं डबल खाऊंगा कि दवाई, उसने 100 का पत्ता 200 में भी दिया तो भी मुझे लेना पड़ेगा। इन इलास्टिक, प्राइस के कम ज्यादा होने से इसके डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा, दवाई बिकना है बिकेंगी। सेकेंड मैं बोलता हूं दवाई नहीं है, कोई समझ लीजिए बोनविटा है, बोनविटा पीना जरूरी है क्या? नहीं भी पिए तो दूध 100 नॉर्मल दूध पी के काम चला सकते हैं। आप दवाई की दुकान पर जाते हो, 100 का बोनविटा 200 में देता है, क्या करोगे? छोड़ देंगे इलास्टिक, 100 का बोनविटा 50 में देता है तो चले काम कर दो ले लेते हैं। इलास्टिक, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे असर पड़ा, इलास्टिक, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे असर नहीं पड़ा, इन इलास्टिक। गेहूं खरीदना है घर के लिए, शक्कर खरीदना है, नमक खरीदना है, क्या करोगे? इन इलास्टिक, लेना ही पड़ेगा कुछ भी भाव मिले। आया समझ? ऐसा सोचो उसके बाद सारे पढ़ो तो समझेगा। आगे चलू, और कोई डाउट? चलिए, हमने कल इनकम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था, जीरो इनकम, नेगेटिव, यूनिटरी, ये पढ़ा था। क्रॉस इलास्टिसिटी पे हम लोग रुक गए थे। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस, क्रॉस मतलब, क्रॉस मतलब क्रॉस, ऐसा नहीं, प्राइस इसका कम ज्यादा हो रहा, डिमांड इसकी कम ज्यादा हो रही, यानी मारा इसको और दर्द इसको हो रहा, ऐसा होता ना, होता क्या? मार किसी और को रहा है, दर्द किसी और को रहा, यानी इसमें इमेजिन पता है कैसे करना है, 4 साल का बच्चा और आप खड़े हो, उसके पापा भी साथ में खड़े हैं, आप लगाओ वो 4 साल के बच्चे को एक झापड़, वो 4 साल का बच्चा मारेंगे कि उसके पापा मारेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी, कौन सी इलास्टिसिटी हो गई? क्रॉस इलास्टिसिटी। आई बात समझ है? पहले इसमें तो मैं क्या पढ़ा रहा था, मैंने मारा आपने मार दिया, आई मैं बोल रहा 4 साल का बच्चा है, आपने उसको लगाया, उसके पापा आपको लगाएंगे, या पापा नहीं भी होंगे जाके बताएंगे तो बराबर घर पे आ जाएंगे लगाने के लिए, यस और नो? और जितना छोटा बच्चा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी रहेगी, बराबर है? ठीक है, चलो। तो इसमें बेटा दो तरह के गुड्स आते हैं, एक तो रिलेटेड आते ही है, दूसरा मेन है सब्स्टिट्यूट और है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में हम लोग क्या पकड़ते हैं? हाँ, तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं अपन? टी, अपन ने पेटेंट किया था ना, टी और कॉफी का एग्जाम्पल लेंगे। इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है, इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो किसी चीज का प्राइस किसी और चीज की क्वांटिटी, ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो बना के देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब आखिर हो क्या रहा है? सही बनाया क्या कि गलत बनाया? सर प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम होनी चाहिए ना, सब्स्टिट्यूट है चाय कॉफी, अब बराबर है? चाय का भाव बढ़ गया, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, ऐसा होता? हाँ, चाय 200 रुपए किलो थी, कॉफी 200 रुपए किलो थी, चाय का भाव 300 रुपए हो गया, ये 200 था ये 400 कर दिया। पहले लोग चाय कॉफी इक्वल पीते थे, कॉफी की डिमांड इतनी थी, अब चाय का भाव बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई, पहले 10 किलो बिकती थी अब 20 किलो बिकने लग गई, यानी लोग क्या हो गए? शिफ्ट हो गए, काय पे? कॉफी पे शिफ्ट हो गए, कहां से? चाय से। इसको बोलते सब्स्टिट्यूट।
तो बना ले डिमांड कर। हाँ बना सकते ना, क्या बड़ी बात है, ये बन गया डिमांड कर बराबर। चलो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एक सेकेंड। अब आप बोलोगे सप्लाई करवोगे सर, भाई सप्लाई करवोगे, सप्लाई करवोगे ना, है ना सर, डिमांड ऐसा रहता सप्लाई ऐसा रहता बराबर। नहीं डिमांड कर भी है, पूछो बताओ कैसे, बताओ लॉ ऑफ डिमांड याद करो, कॉमर्स वाले हो हाँ, तभी तभी सप्लाई की बात याद आई। लॉ ऑफ डिमांड बोलो बेटा, ये बोलना है ना, क्या होता होता क्या है उसमें, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड जाता। और सप्लाई क्या है बेटा, फिर सप्लाई भी बता दो मेरे को, सप्लाई भी बढ़ती प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम होती है, बराबर है ठीक है। अब ये यहां पे क्या हो रहा है, ये डब्बे के अंदर प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा कि कम हो रहा, बढ़ रहा ना, प्राइस बढ़ने से दूसरी चीज का डिमांड बढ़ रहा है बराबर है। तो सप्लाई कर्व के अंदर भी ऐसा ही होता है ना, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, तो कर्व तो ऐसा ही बनेगा ना सप्लाई जैसा, बराबर है। अब समझ आया कि नहीं आया, साइंस वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी सप्लाई पढ़ा ही नहीं अपन ने ठीक है। कॉमर्स वालों को समझ नहीं आ रही है, तो सप्लाई कर्व है सर, तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे तो कर्व कभी भी ऐसा ही बनेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहे तो कर्व ऐसा बनेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कर्व ऐसा बनेगा ना कि नहीं बनेगा, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा है क्वांटिटी भी बढ़ रही है, पर प्रॉब्लम ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, प्राइस बढ़ रहा कॉफी का, डिमांड बढ़ रही चाय की। अभी समझा पक्का, सप्लाई कर नहीं है डिमांड कर ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो कार की डिमांड कम हो गई, इंक का भाव बढ़ गया तो पेन की डिमांड कम हो गई, ऐसा होता कि नहीं होता। यहाँ पे पेन और इंक का एग्जांपल दिया है, पेन का प्राइस पहले था कितने रुपया, P1 नहीं नहीं सॉरी पहले P था, पेन का प्राइस हो गया कम तो इंक पहले थी M और इंक की डिमांड हो गई M1 नहीं सॉरी हाँ पहले थी हाँ पहले M थी और ये हो गई M1। आई बात समझ में, पहले था प्राइस P, डिमांड थी M, किसकी सर पेन का प्राइस था P और इंक की डिमांड थी M, पेन का प्राइस कम हो गया तो पेन ज्यादा बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, तो पेन ज्यादा बिकेंगे तो इंक भी बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, तो इंक की डिमांड बढ़ेंगी कि कम होंगी, बढ़ेंगी, ये देखो ये बढ़ गई M1 पे। इसको आप कार पेट्रोल भी कर सकते हो, कार सस्ती हो गई मान लो, प्राइस ऑफ कार 5 लाख की कार 4 लाख में, तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे ना, तो कार अगर खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आई बात समझ में ऐसा। और इसके अंदर आपका डिमांड कर नॉर्मल बनेगा, तो ये है कौन सा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, और ये कौन सा है सब्स्टिट्यूट। एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूट का डिमांड कर्व सप्लाई कर्व जैसा रहेगा, क्यों, क्योंकि सर सप्लाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और सब्स्टिट्यूट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। डायरेक्टली कैसे, एक का भाव बढ़ता है दूसरे की डिमांड बढ़ती है, एक का भाव कम होता है दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। चाय का भाव कम हो गया तो वापस लोग कॉफी से डिमांड चाय पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, चाय का भाव कम हो गया कॉफी की डिमांड कम। और कॉम्प्लीमेंट्री में एक का भाव बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड कम, एक का भाव कम हो गया तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री कार पेट्रोल, इमेजिन करो कार का भाव बढ़ गया, लोग खरीदना कम कर देंगे कार, तो पेट्रोल की डिमांड का क्या होगा, कम हो जाएंगी। पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ गया, लोग कार खरीदना कम कर देंगे, कार की डिमांड कम। पेट्रोल का भाव बहुत कम हो गया, 100 से सीधा 50 हो गया, कार बिकना बढ़ जाएंगी, और कार की बिक्री बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड, कार की सेल बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाए। और कार का प्राइस कम बढ़ गया तो कार का प्राइस 5 लाख से 8 लाख कर देता हूं, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, प्राइस बढ़ गया, कार खरीदना कम कर देंगे, कार खरीदना कम करेंगे तो पेट्रोल कम बिकेगा कि नहीं बिकेगा, आया समझ में।
इसके लिए थंब रूल नहीं बनाने का, सोचने का क्या होगा, अपने पे लेकर देखना काउ का भाव 80 से 8 लाख से 10 लाख हो गया, अब मैं क्या करूंगा, नहीं खरीदूंगा कार, नहीं खरीदूंगा। ऐसे लोग भी करेंगे, नहीं खरीदेंगे, मार महंगी हो गई ना, नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल बिकना बढ़ेगा कि कम होगा। मैं चाय पत्ती और कॉफी लेके आता था, एक एक किलो, दोनों 200 रुपए की मिलती थी, जो मर्जी है वो पीता था। अब फिर से गया किराना वाले के, तो उसने बोला चाय पत्ती भैया 200 की नहीं मिलेंगी, अब 300 की मिलेंगी। मैं बोलता भैया कॉफी कितने की, कॉफी वही भाव है। तो मैं क्या बोलूंगा, जान दे चाय पत्ती मत दे, 2 किलो कॉफी दे दे, कॉफी पी लूंगा। आई बात समझ? तो भाव किसका बढ़ा, चाय पत्ती का बढ़ गया 200 से 300, डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफी की बढ़ गई। क्रॉस इलास्टिसिटी, मार एक को रहा दर्द एक को, आया क्या समझ में? पक्का? अब यही सिंबॉलिकली निकालना है तो वही, इसमें कैसे निकालते देखो, इसमें दो कमोडिटी आ गई बेटा। हाँ, तो इलास्टिसिटी अपन कैसे निकालते, अपना वही नॉर्मल फॉर्मूला बताओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन किसका, अगर एक्स की क्वांटिटी चेंज हो रही है तो प्राइस किसका बदल रहा है, वाई का, या वाई का प्राइस बदल रहा है इसीलिए एक्स की क्वांटिटी चेंज हो गई, हा कि ना? उसमें ऐसा नहीं था, उसमें एक ही कमोडिटी पकड़ते थे, लेकिन यहां कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट है, इसलिए कमोडिटी कितने है, दो। चलो आगे कैसे करूं, परसेंटेज चेंज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, वो भी एक्स का, डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, वो भी वाई का, हा कि ना? इंटू हंड्रेड परसेंटेज है ना, ये काट दो और इसको ऊपर ले जाओ, ले जा सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा, डेल्टा क्यू ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई अपॉन डेल्टा पी ऑफ वाई। अरे हा कि ना? डेल्टा क्यू ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ वाई अपॉन क्यू ऑफ एक्स, हा कि ना? यही है, डेल्टा क्यू ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ वाई अपॉन क्यू ऑफ एक्स, देख लो। आसान है, उसी को किया, बस किया क्या मैंने, पहले इसमें सेम कमोडिटी की बात करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट में हम दो कमोडिटी की बात करते, समझ में? अब घड़ी खरीदा है सेल लगेगा, माइक खरीदा है स्पीकर लगेगा, पंखा खरीदा है तो उसको लटकाने वाला भी लगेगा, वो यू शेप का आता ना, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। पंखा खराब हो गया, टेबल फैन ले लिया, सब्स्टिट्यूट। माइक नहीं है, गला फाड़ के चिल्ला रहा, सब्स्टिट्यूट। आई बात समझ, समझ रहे नहीं समझ रहे? आगे चलते हैं। अब देखिए इलुस्ट्रेशन भी दिया है, ट्री कॉफी शुगर टी ये सब दिया है, तो इलुस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे बिना देखे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? देखते कितनी इलास्टिसिटी आती है। क्या दिया है क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30 रुपीज। हाँ प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30 रुपीज, एट दिस प्राइस 5 kg ऑफ टी इज डिमांडेड। मतलब क्या हुआ, शक्कर का भाव चाय का भाव कितना है, 1 kg का कितना है, 30 रुपीज, सॉरी प्राइस लिखते हैं, सॉरी प्राइस ऑफ टी लिख देता हूं यहां पे, कितना दिया हुआ है, 30 रुपया पर kg, और इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है चाय की, 5 किलो, बराबर है, कोई शक? इसके बाद क्या लिखा है बेटा, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम 25 to 35 per kg, क्या हो गया, क्या हुआ, कॉफी का भाव बढ़ गया, कितना बढ़ गया, प्राइस ऑफ कॉफी, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी, 25 में से 35 गए, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, 10 रुपए आ गया, चलो ठीक है। ऐसा बढ़ने से क्या होता है, किसकी डिमांड बढ़ेगी, जल्दी बताओ, चाय की बढ़ेगी ना, तो चाय की डिमांड 5 किलो से 8 किलो हो जाती है, वाह कितनी खुशी की बात है, 5 किलो से कितनी हो गई,
8 किलो हो गई, यानी डेल्टा क्यू ऑफ टी कितना बोलू मैं, 8 लिखू कि 5 लिखू कि 3 लिखू? अरे डेल्टा मतलब होता है चेंज, पहले कितना था 5, अभी कितना है 8, कितना हो गया 3। अरे हाँ कि ना, ये डेटा दिया है, ये डेटा, और आपको क्या करना क्या है, आपका फॉर्मूला क्या था, ये रहा ना फॉर्मूला, डेल्टा क्यू ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ वाई अपॉन क्यू ऑफ एक्स। प्राइस किसका चेंज हो रहा, कॉफी का, तो डेल्टा पी किसका निकलेगा, सोच के देखो ना, चेंज इन प्राइस किसका है, प्राइस क्या किसका चेंज हुआ, कॉफी का, और डिमांड किसकी चेंज हो रही, क्वांटिटी डिमांडेड किसकी, टी की, बराबर है। तो क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू ऑफ टी अपॉन डेल्टा पी ऑफ कॉफी इंटू पी ऑफ वाई यानी कॉफी अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स यानी टी। यस और नो बोलो, इसमें डाउट है क्या, ये देखो शांति से, पहले किसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, किसका प्राइस चेंज हो रहा है, इसको चेंज बोला जाता है, बराबर है। तो प्राइस किसका चेंज हो रहा है, यहां पे जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, कॉफी का चेंज हो रहा, और क्वांटिटी किसकी चेंज हो रही, चाय की चेंज हो रही, बराबर है हाँ कि ना। तो डेल्टा क्यू ऑफ टी अपॉन डेल्टा पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ सी अपॉन क्यू ऑफ टी, देख लो हाँ कि ना। तो लिखो डेटा दिया है क्या, डेल्टा क्यू टी कितना है, 3 किलो, डेल्टा पी सी कितना है, 10, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉफी कितना है, क्वेश्चन में देखो, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉफी 25, ठीक है लिख देता हूं, और क्वांटिटी ऑफ टी, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ टी 5, आंसर इज, ये क्या निकल के आई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसकी डिमांड, टी की डिमांड, चेंज किसमें हुआ, कॉफी के प्राइस में, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। तो इसको अगर मैं बोलूं तो इट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। समझा नहीं समझा, अगर समझा है तो अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे अभी के अभी, उसके बाद आपको प्लस माइनस का वो बताऊंगा महत्व। पढ़ो पढ़ो इलुस्ट्रेशन 2 पढ़ो और सॉल्व करो, बहुत आसान है। आंसर नहीं देखना, फिर आप इलुस्ट्रेशन देखो, पढ़ो एक बार अच्छे से। शुगर और टी के बारे में दिया है, क्या टी शुगर सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है क्या, चाय शक्कर कॉम्प्लीमेंट्री, भाई चाय लेंगे तो शक्कर भी लेना पड़ेगा कि नहीं, अब ये मत बोलना सर शुगर है फीकी चाय पीता होगा कस्टमर तो वैसा नहीं होता भैया, रैशनल कंज्यूमर, रैशनल, शुगर बीमारी कुछ नहीं है उसको, ठीक है, शक्कर भी डाल के पिएगा। तो एक बात बताओ भैया, चाय का भाव कम हो जाएगा, चाय का भाव कम हो गया तो चाय पीना लोग बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, चाय का भाव कम हो गया तो चाय की क्वांटिटी बढ़ गई, चाय की क्वांटिटी बढ़ने से शक्कर की डिमांड बढ़ेगी कि कम होंगी, चाय ज्यादा पियेंगे तो शक्कर ज्यादा लगेंगी कि नहीं लगेंगी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब पढ़ो, अब करो सॉल्व, हिंट दे दिया इतनी बड़ी, फॉर्मूला वही है, एक बार इलुस्ट्रेशन 1 के तरफ देखो, सॉल्यूशन
यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर आया पॉजिटिव 1.5. इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड कॉफी. डायरेक्ट कैसे, एक का भाव कम हो रहा, दूसरे की डिमांड बढ़ गई, इनवर्स रिलेशनशिप सॉरी. और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप. चलो पढ़ो इसको, सेकेंड पढ़ो और सॉल्व तो करो. आया क्या 6/5? तो कितना होता है 6/5 कैलकुलेटर? अरे बेटा कैलकुलेटर चलाओ ना, एग्जाम में 6/5 लिखोगे क्या? 1.2. लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है, देख लो सॉल्व करके देख लो, ये माइनस में आ रहा है, बराबर है. अब ये साइन का मतलब क्या, मैंने आपको बोला था प्राइस इलास्टिसिटी में साइन का टेंशन मत लेना, लेकिन जब प्राइस के अलावा दूसरी बात करें हम क्रॉस इलास्टिसिटी इनकम, तो साइन का टेंशन लेना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, कौन रूल को फॉलो करता क्या, क्या बात कर रहे, माइनस कैसे नहीं आया, देखो ना माइनस आया ना, तुम्हारे फॉर्मूले में नहीं आया, तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला भैया? हाँ आप नहीं, मेरा नहीं है, ये लोगों ने दिया, मैंने नहीं दिया. डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी वाई, देख लो डेल्टा क्यू ऑफ एक्स चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स क्या पकड़ा आपने, शुगर पकड़ा, ठीक है, एक्स को इधर देखो, एक्स आपने शुगर पकड़ा, शुगर की क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा, पहले कितनी थी 10, अभी कितनी 12 हो गई ना, तो 12 में से 10 गए कितने बचे, चेंज, चेंज हुआ 2 का, डेल्टा क्यू ही लिखना है ना. डेल्टा पी पहले कितना था प्राइस, अभी कितना है, तो 25 माइनस 30 करेंगे तो 5 नहीं आएगा, तो माइनस आएगा ना, लेकिन हाँ ऐसा बोलो ना, नहीं 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 यहां पे प्लस माइनस पकड़ना पड़ेगा भैया, यहां पे प्लस माइनस पकड़ना पड़ेगा. अब क्या है, पहले क्या था, यही हम लोग करते हैं. अब क्या है प्राइस 12, पहले कितना था 10, सॉरी क्वांटिटी, अब कितनी क्वांटिटी है 12, पहले कितनी थी 10, तो वैसे ही प्राइस में लिखेंगे, अब है 25 पहले थी 30, ऐसे ही निकालते हैं, तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, ये आंसर नेगेटिव आएगा. आया समझ में? प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो साइन का इतना टेंशन नहीं रहता, लेकिन जब भी क्रॉस इलास्टिसिटी या सब्स्टिट्यूट इनकी बात हम करते हैं तो प्राइस के बारे में सोचना पड़ता है, सॉरी साइन के बारे में सोचना पड़ता है. अब क्या सोचना पड़ता है देख लो, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस यानी कौन सा है, ये वाला, इसमें साइन कौन सा आया, पॉजिटिव साइन है, इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव 1.5, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इलास्टिसिटी को साइड रखो, क्या हुआ है फर्स्ट केस में बोलो, ग्राफ ऑफ मत बता, हुआ क्या है बस इतना बता दो, चाहे हाँ ऐसा गावरानी भाषा में बोलो क्या हुआ, अपने को समझना है चीज को तो एकदम जमीन से उतर के समझना पड़ेगा सबसे, देख काफी नहीं, इतने भी गावरानी भाषा में मत बोलो. हुआ क्या है, प्राइस ऑफ 1 kg T30 एट दिस प्राइस 5 kg ऑफ टी वॉज डिमांडेड, प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम 35 to 25, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी राइजेस. ध्यान से सुनना, कॉफी का भाव बढ़ा, चाय की क्वांटिटी बढ़ गई, या कॉफी का भाव बढ़ा, चाय की क्वांटिटी बढ़ गई, बराबर है, रिलेशनशिप कैसा हुआ, एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, इसको क्या बोलते, पॉजिटिव बोलते नेगेटिव बोलते, तो आया पॉजिटिव. सेकेंड केस में क्या हो रहा, शक्कर का भाव का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, चाय के भाव में कुछ तो भी हुआ, चाय का भाव क्या हुआ, कम हो गया, चाय इधर देखो, चाय का भाव कम हो गया, शक्कर की डिमांड क्या हुई, नेगेटिव रिलेशन है, एक कम हो रहा दूसरा बढ़ रहा, इलास्टिसिटी नेगेटिव, एक कम हो रहा दूसरा बढ़ रहा है, मैंने आपको लाइड किया और आपने लगाया मेरे को दो चार, नेगेटिव,
आपका मैंने मैंने प्यार किया और आपने टेम्पर हाई कर दिया, ऐसा होता क्या? नहीं, होना तो ऐसा चाहिए मैंने प्यार किया आपने भी प्यार करना चाहिए ना, तो हो रहा है ऊपर वाले केस में, बराबर है। एक का भाव कम हुआ तो दूसरे की क्वांटिटी, सॉरी एक का भाव बढ़ गया तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी मैंने आपसे प्यार किया आपने भी प्यार किया, तो ये पॉजिटिव है। एक सेकेंड, और दूसरे केस में क्या हो गया? नेगेटिव, मैंने आपको प्यार किया और आपने झापड़ मार दिया, नेगेटिव। कितने जोर से मारा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, 1.2 यानी ज्यादा जोर से नहीं, 2 यानी और ज्यादा जोर से। आई बात समझ? हाँ बोलो। नहीं, हर वक्त वाली बात कभी नहीं करने का, हर वक्त होगा कि नहीं ये आगे देखेंगे, हर वक्त भी नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, तो क्रॉस की बात कर रहे हैं। एक सेकंड पूरा बोलो फिर सर। क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर अगर पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता किसी भी चीज का थंब रूल मत बनाओ, आप भूल जाओगे। अब ये स्टेटमेंट याद करोगे एग्जाम में तकलीफ जाएंगी, सीधा समझो ना क्या हो रहा है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? चाय का भाव बढ़ गया, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, बढ़ गई मतलब पॉजिटिव, यानी ये चाय कॉफी सर ने क्या बताया था? सब्स्टिट्यूट। दूसरे केस में क्या हो रहा? चाय का भाव कम हुआ, शक्कर की डिमांड बढ़ गई, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये कौन से गुड्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। पेट्रोल का भाव कम हुआ, कार की डिमांड बढ़ गई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो रिलेशन कौन सा हो गया बेटा? पॉजिटिव। इनवर्स रिलेशन, सॉरी इनवर्स हुआ यानी नेगेटिव, एक कम हो रहा दूसरा बढ़ रहा, तो इलास्टिसिटी के आगे क्या लगेगा? नेगेटिव। इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, एक बढ़ रहा दूसरा कम हो रहा तो दोनों अपोजिट जा रहे, नेगेटिव हो गया ना, और ये भी बढ़ रहा ये भी बढ़ रहा, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है। मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग मस्ती कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे सर, आप बेकार पढ़ा रहे, ये नेगेटिव रिलेशन हो गए। अब मैं पढ़ा रहा, आप मुझे और अप्रिशिएट कर रहे, सर क्या बढ़िया पढ़ा रहे आप, वेरी गुड, ये पॉजिटिव रिलेशन। चलिए एडवर्टीजमेंट, इसके बाद एडवर्टीजमेंट पे आ जाए। एडवर्टीजमेंट के बढ़ाने से क्या होता है? क्या होता है एडवर्टीजमेंट? आपने बढ़ा दिया, मैंने बोला बढ़ाया, बढ़ाया मतलब खर्चा किया। फुगड़ में होती क्या एडवर्टीजमेंट? नहीं। तो एडवर्टीजमेंट खर्चा करने से डिमांड पे क्या असर आना चाहिए? जरूरी है क्या बढ़ेंगी? कम भी होती ना, कम होती कि नहीं? कभी कभी कोई चीज की एडवर्टीजमेंट ज्यादा नहीं आती तो हम लोग क्या सोचते हैं? यार ये प्रोडक्ट बहुत बिकता होगा इसीलिए एडवर्टीजमेंट नहीं आती, और किसी की सुबह से शाम एडवर्टीजमेंट आती रहती, हम क्या सोचते हैं? बेकार। और बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर लगा रहे मतलब बिकता नहीं। लक्स साबुन इमेजिन करो, कौन सी एक्ट्रेस नहीं है जो उसने लिया नहीं? लक्स, लक्स साबुन सुना है? 10 रुपए में मिलती है, तो हमारे दिमाग में क्या आता? थर्ड क्लास क्वालिटी का साबुन होगा, एक तो सस्ते में भी दे रहा है और दिन भर एडवर्टीजमेंट चालू है। फेयर एंड लवली, आज से लेकर जब बचपन से देख रहा हूं मैं फेयर एंड लवली की एडवर्टीजमेंट, 6 हफ्तों में गोरा लिखा, 6 साल भी लगा लो तो नहीं आता वो आप उस बीच में तो मीटर इंडिकेटर भी आया था, ये लो, ऐसा होता क्या? प्रैक्टिकली लगा के देख रहे हो, फिर अलग करे, नहीं वो लड़कियों की है, मर्दों को फेयर एंड हैंडसम चाहिए, ऐसा ऐसा होता कि नहीं होता? अब बात करते हैं इलास्टिसिटी। बोलो भैया, जरूरी है क्या पॉजिटिव ही रहेगा एडवर्टीजमेंट के बढ़ाने से? डिमांड बढ़ेंगी, हो सकता है बढ़े, हो सकता है ना बढ़े, हो सकता है जितना एडवर्टीजमेंट बढ़ाया उतना बढ़े, हाँ कि ना? यस और नो? क्लियर है, पक्का? तो चलो फिर बताओ कैसे होगा, क्या क्या रह सकती है फिर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी? चांसेस कौन से रहने के इलास्टिसिटी के, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव चांस मतलब पता है क्या होता है? एडवर्टीजमेंट बढ़ाया, डिमांड बढ़ी, ये पॉजिटिव है। क्यों? चांसेस ज्यादा पॉजिटिव रहने के हैं। अब वो पॉजिटिव कितनी हो सकती है? एडवर्टीजमेंट पे 10 का खर्चा किया, डिमांड 20 से बढ़ गई, तो ये पॉजिटिव 2। एडवर्टीजमेंट में 10 का खर्चा किया, डिमांड 10 से बढ़ गई, पॉजिटिव 1 यूनिटरी। एडवर्टीजमेंट में 10 का खर्चा किया, डिमांड बढ़ी लेकिन 5 से बढ़ी, तो ये लेस देन 1। एडवर्टीजमेंट में 10 का खर्चा किया, डिमांड कुछ भी नहीं बढ़ी, 0। एडवर्टीजमेंट में इतू सा खर्चा किया, डिमांड बिल्कुल आसमान छू रही है, इनफाइनाइट।
एडवर्टीजमेंट में 10 का खर्चा किया, डिमांड उल्टा कम हो गई, नेगेटिव। समझे? सिंपल सोच के देखो क्या लिख, ये इसीलिए इतना पॉसिबल है समझना, लिखना नहीं है। अगर यही लिखना रहता ना तो पढ़ाने का तरीका ही अलग रहता। याद करो रे बेटा एग्जाम में लिखना, ये ऐसा ही बोलता था मैं। लेकिन आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, और एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त जब तक आपको ये ऐसे ऐसे करने की आदत नहीं रहेंगी तब तक जमेगा नहीं। आई बात समझ में? ये नॉर्मल इशारा है, गलत इशारा नहीं है, आप समझ लो, खुद ही सोच के देखने का। यस और नो? ठीक है, तो चलो अभी फिर बताओ क्या होगा इंटरप्रिटेशन। इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट इज जीरो, बोलो क्या होगा? इधर देखो, मेरे तरफ देखो, वो छोड़ दो। इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट इज जीरो, कुछ भी नहीं बढ़ा, उतना नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ा, कोई असर हुआ नहीं हुआ। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, खर्चा बढ़ाया लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था, जैसे 10 से बढ़ाया और 5 से ही बढ़ा, इक्वल टू 1, जितना बढ़ाया 10 से खर्चा बढ़ाया बराबर 10 से डिमांड बढ़ गई, ग्रेटर देन 1, 10 से बढ़ाया 20 से डिमांड बढ़ गई, वाह मजा आ गया। तो और क्या नया क्या बता दिया मैंने, बोलो? तो ये काम आता है कभी, ये इलास्टिसिटी देखना कि टाइम पास कर रहे हम लोग, काम आता है। कोई भी बिजनेस फर्म को एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा करना, ये एनालिसिस करने में ये मदद करता है। तो कब करना चाहिए एडवर्टीजमेंट में खर्चा? जीरो रहे इलास्टिसिटी एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना चाहिए क्या? ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन खर्चा करना चाहिए? थोड़ा बहुत कर सकते लेकिन अंधाधुंध नहीं कर सकते। इक्वल टू 1 रहे तो इनडिफरेंट, कर भी लो नहीं भी कर लो बात एक ही है। ग्रेटर देन 1 रहे तो बिल्कुल करना चाहिए, जितना लगाओ बदले में ज्यादा मिल रहा तो और लगाना चाहिए फिर तो। आई बात समझ? क्लियर है ये एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी? तो आज डिमांड फोरकास्टिंग चाहे तो स्टार्ट कर सकते लेकिन बेटा खत्म नहीं होगा। हाँ कल करेंगे वो बात बराबर है, लेकिन पहले डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है बताते क्या आप मेरे को? नहीं नहीं अभी बताओ ना, नहीं नहीं बोलते, फोरकास्टिंग करना है बेटा, फोरकास्टिंग। अभी मैं आपको बोलूं कि वेदर की फोरकास्टिंग करो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बाहर जाओगे, बादल है, कितने बादल है दूर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, सिर्फ अपने छत के ऊपर के बादल देखोगे कि आगे पीछे भी देखोगे? दिख रहा है कि वहां तो बादल ही नहीं है और बादल सिर्फ इधर है और इधर नहीं है, इसका मतलब आप क्या सोचोगे? बारिश नहीं आएगी, आसमान खुलने वाला है, इधर भी बादल, इधर भी बादल, इधर भी बादल, क्या सोचोगे? बारिश आने वाली है। ऐसी डिमांड फोरकास्ट होती है। क्रिकेट का सीजन आता है, आईपीएल जब आता है तो किस चीज की डिमांड बढ़ती है? एलसीडी टीवी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, केबल वाला, ये सब की डिमांड बढ़ जाती है। वो ऐप डाउनलोड करते ड्रीम इलेवन तो उसकी एडवर्टीजमेंट अचानक बढ़ जाती है, एडवर्टीजमेंट का प्राइस भी बढ़ जाता है आईपीएल के अंदर, और आईपीएल जाने वाला है तो कम हो जाएगा, यानी बादल आ रहे हैं तो बारिश आने वाली है, बादल जा रहे हैं बारिश जाने वाली है, इसको क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। वैसे ही हर इंसान डिमांड की फोरकास्टिंग करता कि नहीं करता? दिवाली का सीजन आने वाला है, क्या फोरकास्टिंग करोगे? मिठाई के भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। मिठाई की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। फटाकों की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और दिवाली निकल गई तो क्या फटाके की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करोगे क्या अब आप? क्यों? अरे सर अब जो बचा है वो बेच दो, अब डिमांड सीधा अगले साल आएंगी। यस और नो? फोरकास्ट। तो ये फोरकास्टिंग जरूरी है कि नहीं है? है। अलग अलग गुड्स के हिसाब से फोरकास्टिंग बदलती है। क्रैकर की फोरकास्टिंग अलग, मिठाई की अलग। मिठाई क्रैकर एक बार गया तो अगले दिवाली को ही आएगा, मिठाई एक बार गई तो क्या अगले दिवाली को ही चाहेंगी क्या? नहीं, फिर मकर संक्रांति में आएंगी सर, फिर होली में फिर से आएंगी, रक्षाबंधन में आएंगी, शादी के सीजन में आएंगी। ऐसा आपस सीजन आता कि नहीं आता मिठाई का? लेकिन फटाकों का अब सीधा भैया अगले दिवाली में ही चाहेगा। तो हर गुड, हाँ बीच में बोलना, शादी में, तो शादी में थोड़े बहुत फोड़ते हैं, एक दो तीन फोड़ लिए क्या? नहीं फोड़े क्या? यस और नो? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिमांड की फोरकास्टिंग, अलग अलग करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये हम लोग कल पूरा डिमांड एनालिसिस फोरकास्टिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाया घर जाके पढ़ना है, देखो कितना समझ में आता, नहीं आए तो पूछना, ठीक है? जैसे आज पूछे। चलो बाय।